हमारे साथ हैं, बताएं अशोक। देखिए जो सेलिब्रेशन हो रहा है अभी, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आएंगे रुझानों को देखते हुए, तो एंटीसिपेट करके जो व्यक्ति थी उसको जो सेलिब्रेशन किया जा रहा है, चुनाव आयोग ने कड़ा नोटिस लेते हुए सभी मुख्य सचिवों को यह आदेश दिया है कि ऐसी सेलिब्रेशन को रोका जाए, लोगों की कैदिंग को रोका जाए, और जो कंसर्न थाना है उसके SHO को सस्पेंड किया जाए, FIR दर्ज की जाए और रिपोर्ट तुरंत दी जाए। और उन्होंने 500 स्टेट के मुख्य सचिवों को ये निर्देश जारी किया है तुरंत प्रभाव से इसको इम्प्लीमेंट करने के। हालांकि चुनाव आयोग ने पहले से ये निर्देश दे रखे थे कि कोई भी भीड़ नहीं जुटनी चाहिए, कोई भी सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन आज जिसके TMC की रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ पे विक्ट्री हो सकती है, एंटीसिपेट करके कोई भी ऐसी जल्द से जुलूस या गैदरिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टेट में हो, उसको रोका जाना चाहिए। ये चुनाव आयोग ने कड़ा नोटिस दिया है और तुरंत रिपोर्ट देने के लिए कहा है। हम आज तक की तरफ से तमाम जो लोग देख रहे हैं उनको और तृणमूल के पूरे नेतृत्व से यही अपील करना चाहेंगे कि ये जश्न जानलेवा हो सकता है, आप कृपा करके कोशिश करें कि लोगों से अपील करके उन सब से इस जश्न को रोकने के लिए कहा जा सके। चुनाव आयोग अपनी तरफ से संज्ञान तो ले रहा है, प्रशासनिक और पुलिसिया कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन इस जश्न को सिर्फ अभी तो कोलकाता की तस्वीरें हैं चित्रा, बाकी इलाकों में भी इस तरह से होगा और उसके लिए मुख्य नेतृत्व ही चल सकता है। अगर ममता बनर्जी अपनी जीत के लिए जो तैयारियां कर रही हैं उसके लिए एक स्क्रीन लगा सकती हैं तो वो भी संदेश दे रही है कि मैं अभी सार्वजनिक नहीं आऊंगी। तो एक तरह से लोगों को भी समझना होगा, संयम बरतना होगा, जीत जीत है इस समय, लेकिन शायद इस जश्न को थोड़ा सा पोस्टपोन करने की छोटी सी कोशिश सोशल मीडिया के जरिए अपनी तस्वीरें अपनी बातें लगातार कहती हुई चली आ रही हैं। अगर वो नंदीग्राम के रिजल्ट का इंतजार भी कर रही हैं और अभी सामने नहीं आ रही कार्यकर्ताओं के, लेकिन वो कम से कम एक अपील कर सकती हैं। इसके पीछे की वजह समझिए, ये जितने लोग इस वक्त जश्न में शामिल हैं ये सब लोग अपनी बीमारी को बुलावा दे रहे हैं, ये उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो हो सकता है बीमार हो जाएं, इसीलिए बहुत जरूरी है कि बड़े नेता आगे आए और इन लोगों को रोकें कि अभी ऐसा माहौल नहीं है देश में, आप जश्न मनाइए, जश्न मनाने का आगे मौका बहुत आएगा, लेकिन अभी खुद की जान बचाने का ये मौका है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि TMC के बड़े नेताओं को जल्द से जल्द इस पूरे मामले में गंभीरता से सोचकर तुरंत संज्ञान लेते हुए अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए। लेकिन शहनवाज जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, ये 84 सीटों पर ही BJP की सुई क्यों जाकर अटक गई? आप लोग 200 के पार, टोलबाजी, भ्रष्टाचार, टेप लीक किया, तमाम तरह की चीजें हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से खारिज क्यों कर दिया? 2019 वाला भी प्रदर्शन आप लोग दोहराते हुए वहां पर नजर नहीं आ रहे हैं, आपने भी बहुत सारी रैलियां की थी। देखिए चित्रा जी, आप भी वहां बुलेट रिपोर्टर बनकर पूरा बुलेट पे घूमी है, मैं भी वहां काफी कैंपेन हमने किया, इतनी रिस्पॉन्स, इतना लोगों का उत्साह परिवर्तन के लिए, लोगों साफ दिख रहे थे। हम 3 MLA की पार्टी थे, हम जब 200 का टारगेट हमने बनाया तो कई बार उस पर लोग कहते भी थे कि कसौटी पर हम अपने टारगेट से कसे जाएंगे, लेकिन लोगों में एक बहुत उत्साह था। लेकिन क्या करें, अगर ममता विरोधी वोट में लगता है कि लेफ्ट और कांग्रेस ने जो वोट काटा वो हमारे ही वोट काट लिया, मतलब जो एंटी ममता वोट था, जो प्रो ममता जी का वोट था, जो दीदी के पक्ष का वोट था, वो एक तरफ वही रहा। ये तो मतलब वही हो गई ना, ये तो घुमाने वाली बात हो गई। आप स्पष्ट तौर पे बताइए ना कि BJP 84 पर 205 पर इस वक्त तृणमूल कांग्रेस, वो भी तब जब 10 सालों से ममता बनर्जी का वहां पर शासन है, सत्ता विरोधी लहर का वो सामना कर रही थी, उनके उनके भतीजे का एक ऑडियो लीक हुआ जिसको लेकर आप लोगों ने खूब निशाना साधा, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कोयले के मामले में वहां तक जांच एजेंसी पहुंच गई उनके घर के अंदर पूछताछ करने के लिए, ये सब कुछ काम नहीं आया चुनाव में? नहीं, ये सही है कि वहां मान लीजिए 205 सीट पर अगर वो आगे हैं, इसका मतलब जो भी वहाँ करप्शन या भ्रष्टाचार हुआ है उससे मुक्ति मिल जाएगी, जो मुकदमे वो ख़त्म हो जाएंगे, या लोकतंत्र में अगर कोई जीत जाता है तो जो वहाँ जुल्म ज्यादतियाँ थी, जो कोयले में चोरी थी, जो मुद्दे हमने उठाए वो मुद्दों पर कोई जनमत संग्रह थोड़ी था, हमने जो मुद्दे उठाए वो सही मुद्दे उठाए। और ये सही है कि वो वोटों में जो उनका वोट था, जो हम देख रहे थे कि वो काफ़ी कम होना चाहिए, वो नहीं रहा, और उन्होंने जो ध्रुवीकरण करना चाहा वो कर लिया। और हमारे यहाँ जो सर ध्रुवीकरण के जरिए 205 सीटें कोई कैसे हासिल कर लेगा, ध्रुवीकरण नहीं, आप मुस्लिम तुष्टिकरण कहिए। आपको लग रहा है कि 25-30% की आबादी 205 सीटें दिलाने में ममता बनर्जी को मदद कर सकती है? जी, मैं उस भरम का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं खुद 6 लोकसभा चुनाव लड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, सिर्फ
ऐसे नहीं आपके साथ बैठा, मेरा खुद का अनुभव है, दसों जगह में चुनाव प्रचार कर